नमस्कार दोस्तों, कांगुने फैशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले फ्रंट बार। अब फ्रंट में हमें क्या करना है उसके हम शॉर्टकट में यहाँ पे सिखाएंगे, उसके बाद में डिटेल जो है हम कपड़े के ऊपर देने वाले हैं। देखिए, इसके पहले का जो हमारा भाग हो चुका है उसके अगर आपको लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से आप लिंक ले सकते हो और वो वीडियो आप देख सकते हो। देखिए, आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आ चुके हैं तो सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और घंटी पे क्लिक करना है। जब आप घंटी पे क्लिक करेंगे तब मेरे डायरेक्टली वीडियो आपके पास आ जाते हैं और लाइक करना आपको नहीं भूलना है। देखिए, हम फ्रंट साइड किस तरह से बनाते ये सबसे पहले हम सीखते हैं। देखिए, हमने ये कल जो था तो ये हमने बैक साइड बनाया था। अब बैक साइड बनाने के बाद हमें फ्रंट बनाना है। अब फ्रंट हमें किस तरह से बनाना है, देखिए हमने बैक साइड कपड़े के ऊपर भी कटिंग की थी, अब वही ये भाग होगा पूरा। अब हमें क्या करना है, सिर्फ यहां से हम इसे डेढ़ इंच ज्यादा रखेंगे। देखिए, हम यहां से डेढ़ इंच ज्यादा रखेंगे और इसे सीधी लाइन दे देंगे इस तरह से। देखिए, हमने इस तरह से लाइन दिया है। अब लाइन देने के बाद हम क्या करेंगे, इसे यहां पे स्ट्रेट देंगे। अब देखिए, हमें यहाँ पे आधा इंच बढ़ाना होता है, लेकिन मैं आप जब जहां हमें टक्स लेना है उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये आधा इंच क्यों आपको ज्यादा लेने को बोल रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारी लंबाई होगी। अब ये हमने मुंडा सब ये मेजरमेंट जैसे कि वैसे रहेंगे। अब हमें क्या करना है, सिर्फ जो नंबर होंगे उसे मिटा देते हैं हम, और ये अंदर की लाइन भी हम मिटा देते हैं। जैसे समझ लो आपने बैक साइड लिया है और यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करते हुए यहां तक आ गए आप और आपने इसका कपड़ा हटा दिया, तो उसके बाद में हमारा ये बॉक्स बन रहा है। अब हमें क्या करना है, यहां से देखिए हमारा जो नेक हो जो होगा वो हमें 7 इंच लेना है। हम जो फ्रंट नेक लेंगे, देखिए हमारे फ्रंट नेक जो है वो है हमारा 7 इंच, और हमारा फ्रंट जो नेक होगा वो हमने 7 इंच लिया है। देखिए, हमने फ्रंट नेक 7 इंच लिया है, तो हम यहां से यहां पे 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। देखिए, हम यहां से यहां पे 7 इंच पे मार्किंग करेंगे और उसके बाद में यहां से हम कंटिन्यू करते हुए इसे इस तरह से ये राउंड कर देंगे। देखिए, हमारे ये राउंड बन चुका है, तो ये हमारा फ्रंट नेक बन जाता है। अब फ्रंट नेक बनने के बाद हमें लेना होता है टक्स। अब टक्स किस तरह से लेना है हम वो सीख लेते हैं। अभी टक्स हमें किस तरह से लेना है, देखिए हमारे पास जब हमारा चेस्ट का मेजरमेंट कितना है 35 इंच, तो हमें डिवाइड करना है उसको 12वें भाग में। अब यहाँ पे हम डालेंगे, अगर आपको 35 का नहीं आता तो आप 36 का कीजिए, तो 36 का जो हमारा 12वां भाग आएगा 3 इंच, तो हम सीधा इसमें मिला देते हैं 4 इंच। तो देखिए, हम यहाँ पे 4 इंच ले रहे हैं। ये सिर्फ 4 टक्स ब्लाउज होता है। जो 4 टक्स ब्लाउज जो होता है उसमें देखिए, आप रेडीमेड जो ब्लाउज देखते होंगे तो उसके अंदर खाली 4 टक्स होते हैं और वो 4 टक्स के अंदर हम कप्स लगाते हैं, तो आपने काफी रेडीमेड ब्लाउज देखे होंगे इस तरह से, तो वही ये ब्लाउज बन रहा है। आप देखिए, हम क्या कर लेते हैं, हमारी डॉट लंबाई, देखिए हम डॉट लंबाई देखिए हम लेंगे 10 इंच पे। देखिए, हमारे मेजरमेंट किस तरह से बढ़ते हुए जा रहे हैं। देखिए, हमें डॉट लंबाई लेना है 10 इंच, तो हम यहां से यहां पे इसे आधा इंच ऊपर छोड़ेंगे और यहां पे लेंगे 10 इंच में मार्किंग। 10 इंच में मार्किंग करने के बाद हम इसकी सीधी लाइन करेंगे। अब सीधी लाइन करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमने टक्स की मार्किंग किया है उसे सीधी लाइन करना है। अब इस तरह से हमने इसे सीधी लाइन किया है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा दोनों टक्स मिलते हुए यहाँ पे पौना पौना और पौना यानी 1.5 इंच हमारा दोनों गैप होगा। तो देखिए, हम इसे बीचों बीच रखते हैं, इधर से हमारा 0.25 इंच होगा और इधर से पौना, तो दोनों मिला के हमारे 1.5 इंच का मार्किंग बन जाता है। तो हम इसे मार्किंग इस तरह से कर लेते, थोड़ा सा हम क्या करेंगे 2 इंच तक की इसे स्ट्रेट करते हुए चले जाएंगे। देखिए इस तरह से, और उसके बाद में हम इसे नॉर्मली यहां से यहां तक इसे क्रॉस करेंगे। देखिए, हमारा इस तरह से ये डॉट बन जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, पॉप जो रहेगा वो काफी अच्छा आ जाता है। अब हमें करना है बाजू की जो टक्स रहेंगे वो।
अब हमें मार्किंग किस तरह से करना है, हम यहां से लेंगे डेढ़ इंच और यहां से डेढ़ इंच। देखिए हमने जो डॉट लंबाई ली है यहां पे, तो ये जो हमारा पॉइंट निकलने के बाद हम यहां से यहां पे डेढ़ लेंगे और यहां से यहां पे डेढ़ लेंगे। उसके बाद में जो क्रॉस में जो होगा तो हमें क्या करना है, देखिए हमारा ये स्ट्रेट होगा दो इंच। अब स्ट्रेट में लेने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ा आधा इंच जो रहेगा तो हम इसे क्रॉस में ले लेते हैं। देखिए हमने ये जो भाग होगा इससे क्रॉस आधा इंच लिया है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी सीधी लाइन इसमें मिला देते हैं, देखिए इस तरह से। तो ये एक हमारा टक्स बन जाता है, ये एक हमारा पॉइंट टक्स का बन चुका है, ये एक पॉइंट का हमारा टक्स बन चुका है। अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट रहेगी ये हमें सिर्फ पाव इंच पे करना है मार्किंग, और ये जो टक्स रहेगा हमने ये यहां से डेढ़ इंच नीचे के साइड में, देखिए यहां पे डेढ़ इंच, और इसे पाव इंच की मार्किंग करेंगे। अब देखिए हमारे पाव इंच की मार्किंग होने के बाद हम क्या कर लेते हैं, इसे ये जो हमने डेढ़ इंच पे मार्किंग किया है इसे मिला देते इस तरह से। देखिए हमारे ये टच साइड का बन जाता है। अब हमें यहां पे भी इसे टच बनाना है। तो ये देखिए हमारे फोर डॉट बन चुके हैं, ये हमारा फोर डॉट बन चुका है, और ये जो रहेगा हमारा गले का आकार होगा जो आगे हमने सात इंच पे लिया है। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहां से यहां पे पौना इंच यानी हम एक को पाव इंच कम अंदर ले लेंगे इस तरह से, और उसके बाद में यहां पे स्ट्रेट लाइन दे देंगे इस तरह से क्रॉस में। ये हमारा अंदर का मुंडा खोली होगी, जो हमने ये बैक साइड लिया था ये हमारा आगे का फ्रंट का शेप आएगा। अब हमें शेप किस तरह से देना है, ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन आ चुकी है यहां से हम पौना इंच गिनेंगे, जितना आपने ये भाग लिया है उतना ही हमने यहां पे गिना है, उसके बाद में हम इसे शेप दे देते हैं। ये जो लाइन दिख रही है हमने अंदर के साइड में मिलाया है, तो ये हमारा आर्म राउंड बन जाता है। अब हमें देखिए यहां से हमें आधा इंच हम टक्स लगाने वाले हैं, इसलिए हम आधा इंच इधर के साइड में बढ़ा लेते हैं और इसे स्ट्रेट कर देते हैं इस तरह से। देखिए हमने पहले जो लिया था तो यहां से हमने डेढ़ इंच बढ़ा के लिया था, लेकिन हमने यहां पे नहीं बढ़ाया था, तो हमने अभी यहां पे आधा इंच बढ़ा के लिया है और ये स्ट्रेट। हमने क्यों बढ़ाया ये, क्योंकि हमें यहां पे आधा इंच सिलाई लगाने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बढ़ाया इसे। देखिए तो इस तरह से हमारी ये फोर टक्स की कटिंग होती है। देखिए हमने इस तरह से सिक्के हो चुका है, अभी हमें इसे नंबर देना है। अब हमें नंबर किस तरह से देना है, हमारे जो पहले के नंबर रहेंगे जीरो, हम जीरो वैसे ही लेंगे। उसके बाद में एक हमारा नंबर जैसा ही वैसा ही रहेगा, दो भी हमारा उसी तरह से रहेगा, ये तीन भी उसी तरह से रहेगा, हमारा ये फोर नंबर जो होगा वो भी हमारा उसी तरह से रहेगा। तो सबसे पहले हम इसे डेढ़ इंच की मार्किंग कर लेते हैं अंदर की इस तरह से। ये जो हमारी सिलाई मार्जिन जो होगी वो होगी, हमने ये फाइव लिया है, उसके बाद में ये सिक्स नंबर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर दिया है सिक्स के बाद आता है सेवन नंबर, तो हम यहाँ पे सेवन नंबर देंगे। उसके बाद में हम जो लेंगे, तो अब हमें क्या करना है, सेवन नंबर के बाद हम लेंगे यहाँ पे एट नंबर, नाइन नंबर, उसके बाद में हम मार्किंग करेंगे यहाँ पे टेन, इलेवन, उसके बाद में हम लेंगे ये वाला टक्स। अब हमें ये वाला टक्स लेने के लिए हम लेंगे 12, 13, 14, अब हमें ये सेंटर वाला लेना है 15, 16 और ये 17। देखिए इस तरह से हमारे नंबर हैं। अब ये नंबर हमें किस तरह से लिखना है, देखिए हमने जैसे ये कल बताया था आपको, यहां पे आपको जीरो से वो लिखना है, उसके बाद में जो भी माप लेते हैं वो लिखना है। जैसे कि हमने लिखा था जीरो से एक, जैसे हमारी लंबाई होती है उसी तरह से लंबाई प्लस एक इंच। उसके बाद में जीरो से दो हमें लेना है मुंडा खोली, जिस तरह से हमारी चेस्ट होगी उसी तरह से। उसका अगर आपको इसके पहले का वीडियो देखना पड़ेगा आपको, ये किस तरह से हमने बनाया है वो। अभी क्या हमें लेना है, जीरो से तीन,
अब जीरो से तीन हमें क्या लेना है, जितना हमारा चेस्ट का मुंडा होगा उतना ही हमारा शोल्डर होगा। अब उसके बाद में हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। चेस्ट का मेजरमेंट हमारा रहेगा चेस्ट का चौथा भाग प्लस एक इंच। देखिए मुझे क्वेश्चन आया था एक कि सर हम उसे पौना इंच क्यों नहीं मिला सकते हैं, आप एक इंच क्यों बताते हैं। तो देखिए ये मेडम फिटिंग जो होती है, जो थोड़ा सा उम्र हो जाती उन महिलाओं के लिए ये है जो लूजिंग पहनना पसंद करती है उन लोगों के लिए एक इंच है। लेकिन कोई लड़की आती है आपके पास मेजरमेंट लेके तो आपका उसे पौना इंच प्लस कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक इंच प्लस किया है, आप अगर मेजरमेंट के हिसाब से इसे प्लस कर सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारी गले की जो अगर गोलाई अगर आपको ज्यादा लेनी है तो उस टाइम हमें आधा भी इंच इसमें प्लस करना होता है। लेकिन कैसे रहता है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको वो मेजरमेंट करना होता है। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी होगा। अभी क्या होता है कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको धीरे 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 इस चीज की पूरी नॉलेज आ जाती है, लेकिन प्रैक्टिस के बिना कोई चीज पॉसिबल नहीं है। देखिए हमने लिया था ये चेस्ट, चेस्ट के बाद में हम लेंगे डेढ़ इंच सिलाई मार्जिन, जिस तरह से हमने ली थी उसी तरह से। उसके बाद में हमारा नंबर जो आ रहा है एट, अब एट हम जीरो से एट लेंगे। यहाँ पे हमने ढाई इंच गले के लिए डाला था और उसके बाद में ये हमारी गले की ऊंचाई होगी आठ से नौ। उसके बाद में हमें मेजरमेंट डालना है दस। अब दस हमें क्या करना है, जितना हमने चेस्ट का मेजरमेंट लिया है उतना ले सकते हो। अब जितना हमने चेस्ट का मेजरमेंट लिया है उतना ही आप यहाँ पे ले सकते हो और उसके बाद में डेढ़ इंच आगे सिलाई मार्जिन रख सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लेना है ये वाला भाग, हमारा ट्वेल्व जो नंबर होगा वन से ट्वेल्व हमें क्या करना है, चेस्ट का बारहवा भाग करना है। अब देखिए तुम्हारे पास 35 होगा तो आप 36 का कर सकते हो, 36 का जब बारहवा भाग बोलेंगे तो आपको तीन आएगा। लेकिन ऐसे बीच का आंकड़ा जब आता है तो आपको बारहवा भाग करने के लिए नहीं आता है तो आप एक आधा इंच इधर उधर करके आप उसका बारहवा भाग कर सकते हो और उस तरह से इसका मेजरमेंट ले सकते हो। अब हमें क्या लिया है, यहाँ पे बारहवा भाग प्लस एक इंच, उसके बाद में हमने यहाँ पे पौना इंच लिया है 12 से 14 और 14 से 13 हमने एक पौना पौना इंच लिया है, दोनों मिला के हमारा डेढ़ इंच है। उसके बाद में हमने ये लिया है 15, हमने जो डॉट लंबाई देखिए 8 से 15 ये हो गया हमारी डॉट लंबाई। 15 के बाद हमें क्या करना है, इस साइड में हमें 16 और ये 17 हम दोनों भी जो है तो वो लेंगे डेढ़ डेढ़ इंच। उसके बाद में हम लेंगे यहाँ पे 18 नंबर के लिए हमें लेना है दो। देखिए हमने ये डेढ़ लिया है, ये डेढ़ लिया है, लेकिन हमने इसे दो लिया है। ध्यान रखना है आपको ये दोनों से ये आधा इंच ज्यादा होगा। ये जो माप होगा यहाँ पे हमने डेढ़ इंच लिया है, ये पाव इंच हमारा टक्स होगा, ये सभी हमारे पाव पाव इंच के टक्स हो गए, तीनों भी पाव पाव इंच के टक्स हो गए, खाली हमारा ये टक्स होगा ये बड़ा होगा। तो इस तरह से ये हमारा डायग्राम होगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं कपड़े के ऊपर। तो देखिए हमें कपड़े के ऊपर किस तरह से कटिंग करना है, ये जो होगी हमने कल बैक साइड निकाली थी, अब ये बैक साइड को हमें इस तरह से रखना है जिस तरह से मैंने आपको बोर्ड पे बताया है उसी तरह से। अब देखिए हम इसे सिर्फ मार्किंग करके लेंगे इस तरह से। कपड़े के ऊपर अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से ये कटिंग किया है। गले के गैप को हम इसे मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद में ये हमारा मार्किंग है। तो ये देखिए हमारा इस तरह से बैक साइड था। अब मैंने क्या सिखाया आपको, इसमें हमें लेना है यहां से डेढ़ इंच लेने के बाद हम लेंगे यहाँ पे आधा इंच ज्यादा। अब मैंने ये आधा इंच आपको समझाया कि हमें यहाँ पे टक्स लगाना होता है इसलिए हमें यहाँ पे ज्यादा लेना है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसे लगाते हैं स्ट्रेट सिलाई, यानी हम सिलाई मार्किंग करेंगे इसकी। मार्किंग करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, अब हमारा फ्रंट जो नेक होगा हम उसे मार्किंग कर लेते हैं। हमारा फ्रंट नेक है 7 इंच, हमने यहाँ पे आधा इंच छोड़ा है, यहां से हम 7 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसे राउंड दे देंगे। तो देखिए ये हमारा राउंड बन चुका है इस तरह से। अब हमें क्या करना होता है, हमें थोड़ा सा पाव इंच जो है हमें सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे जो हमारी बटन पट्टी हुक पट्टी जो लगेगी हमें उसे पाव इंच ज्यादा ले लेंगे।
पाविंग ज्यादा लेने के बाद हम अब डॉट लंबाई की मार्किंग डालेंगे। देखिए हमें 10.5 पे इसकी मार्किंग करना है, 10 हमारी डॉट लंबाई होगी। देखिए हमारा 8 से जो 15 इंच लिया है वो हमारी डॉट लंबाई होगी। हमारी डॉट लंबाई जो है वो है 10 इंच, 10 पे हम मार्किंग करेंगे और आधा इंच जो रहेगा वो हमारा जाएगा सिलाई के लिए, यानी हमने 10.5 पे मार्किंग किया है। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे लेंगे 12वां भाग प्लस 1 इंच इस तरह से, और इसे स्ट्रेट में मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से। अब देखिए यहां तक हमारी रहती है योग पट्टी, जो हम क्रॉस पट्टी लगाते हैं। देखिए हमारी योग पट्टी होगी, तो हमें क्या करना है योग पट्टी तक, देखिए हम सबसे पहले डालेंगे डॉट की मार्किंग। देखिए हम यहां से 1.25 इंच ले रहे हैं, यहां से 1.25 इंच। ये डॉट की मार्किंग जो होगी हम 2 इंच तक लेंगे इसे सीधा इस तरह से, और इसे देंगे उसके बाद में इस तरह से क्रॉस। तो देखिए इसकी जो फिटिंग होगी काफी खूबसूरत बैठती है ये डॉट स्ट्रेट लेने से, क्योंकि हमारे बॉडी का नीचे का भाग जो होगा वो प्लेन होता है, इसलिए यहाँ पे प्लेन भाग बैठना चाहिए, फिर उसके बाद में आपका डॉट बनना चाहिए। अब हम मार्किंग कर लेते हैं यहां से यहां तक 1.5 इंच पे, यहां से यहाँ पे 1.5 इंच पे, और यहां से थोड़ा नॉर्मली क्रॉस में हम रखेंगे 2 इंच। अब हम क्या कर लेते हैं यहां से इसे सीधा मिला देते हैं ऐसे इस तरह से। अब क्या करना है आपको, अगर नहीं समझ में आता है इस तरह से, यह हमारी फिटिंग का मेजरमेंट होगा। यहाँ पे हमें रखना है 12वां भाग, हमारा जो चेस्ट का 12वां भाग होगा वो रखना है यहां से यहां तक, और हम मार्किंग करेंगे 1/2 इंच साइड 1/2 इंच साइड। अब हम क्या कर लेते हैं इसे टक्स की मार्किंग कर लेते हैं। इसी तरह से हमें तीनों भी टक्स की मार्किंग करना है। उसके बाद में देखिए हमारा ये स्ट्रेट, हमने जो डॉट लंबाई की मार्किंग लगाई, स्ट्रेट करने के बाद हम इसे मार्किंग कर लेंगे 1.5 इंच नीचे इस तरह से। अब 1.5 इंच नीचे करने के बाद ये 1/2 इंच, ये 1/2 इंच, उसके बाद में हमें देना होता है अंदर का मुंडा सेप। अब मुंडा सेप के लिए हम 1/4 इंच लेंगे और यहां से इसे इस तरह से सेप देते हुए चली जाएंगे। देखिए हमारी ये मुंडा खोली होगी जो हमने पहले लगाई है वो, उसके बाद में ये हमारा जो होगा बैक साइड का होगा, और ये जो हमने अंदर से दिया है 1/4 इंच, ये हमारा होगा फ्रंट साइड। तो देखिए इस तरह से ये हमारा फ्रंट बन चुका है। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हमें किस तरह से करना है, ये हमारा गले का आकार है, तो ये देखिए हमारा ये बन गया है फ्रंट। इस तरह से अगर आप कटिंग करते हो तो काफी इसकी खूबसूरत फिटिंग बैठती है। ये ज्यादातर लोगों के लिए, किस लोगों के लिए यूज होता है, जो लड़की लोग होता है उन लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग करते हैं, और जो समझो जिन्हें कटोरी ब्लाउज पसंद नहीं है उन लोगों के लिए ये ब्लाउज यूज होता है। तो देखिए हमारा ये बैक साइड है और ये हमने निकाला है फ्रंट। अभी हमें करना है स्लीव्स। अब स्लीव्स हम पहले सीखेंगे बोर्ड के ऊपर, उसके बाद में हम उसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए स्लीव्स हमें किस तरह से तैयार करना है। ये हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है। हमारी स्लीव्स की लेंथ जो होगी, हमारी बाही जो होगी, बाह जो होगी हमारी, वो होगी हमारी 4 इंच की। उसके बाद में हमारा यहां का राउंड जो होगा वो लेंगे हम 14 इंच लेंगे हम। तो देखिए हमारे ये मेजरमेंट बन जाते हैं। हमने इसके अंदर डॉट लंबाई नहीं लिखी है, तो हम डॉट लंबाई लिखेंगे। डॉट लंबाई हमारी थी 10 इंच। अब हमें ये मेजरमेंट डालना है 4 इंच स्लीव्स लेंथ, उसका राउंड होगा ये 14 इंच का, और हमारा आर्म राउंड जो होगा 15.5 इंच का। ये तीनों मेजरमेंट हमें लगेंगे स्लीव्स के लिए। अब देखिए सबसे पहले हमें लेना है लंबाई। अब लंबाई हम किस तरह से लेंगे, देखिए हमें ये लाइनिंग का ब्लाउज है, आपको ये हमारा है लाइनिंग का कपड़ा, तो अब लाइनिंग के अंदर हम कितना प्लस करते हैं वो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। उसके बाद में जो जैसे ही वीडियो आते जाएंगे उसी तरह से आपको सभी जानकारी मिलती जाएंगी किस तरह से हमें कौन सी बाही को क्या करना है। देखिये हम लेंगे यहां से 4 इंच की बाही,
सबसे पहले हमें लगेगी यहां पे आधा इंच की सिलाई, उसके बाद में हम करेंगे 4 इंच पे मार्किंग, उसके बाद में रहेगा हमारे नीचे के साइड में आधा इंच का फोल्ड, तो ये बन जाती है हमारी पूरी 5 इंच की लंबाई। हमें लेना है 4 इंच बाही, तो हम उसके अंदर 1 इंच ऐड करेंगे यानी 5 इंच। हम सीधी लाइन दे देते हैं। सीधी लाइन देने के बाद हमें डालना होता है मुंडा खोली। जो आर्म राउंड हमें लेना होता है उसकी मुंडा खोली जो होगी वो हम लेंगे 3.5 इंच के ऊपर। देखिए हम इसे मार्किंग करेंगे 3.5। देखिए महिलाएं, कई महिलाएं ऐसी होती है कि वो सिर्फ 1.5 या 2 इंच मुंडा खोली डालते हो, तो उस समय आपका ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग यहाँ पे नहीं बैठती, इसलिए आपको मुंडा कम से कम 3 या 3.5 इंच मुंडा खोली डालना ही होता है, तभी आपका यहाँ का जो मुंडा जो बैठेगा वो परफेक्टली बैठ जाएगा। इसलिए आपको ज्यादा लेना है, 1.5 इंच आपका राउंड बाही बन जाती है। इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं कि आपको किस तरह से इसे लेना है। तो देखिए हम मार्किंग करेंगे 3.5 के ऊपर और इसे देंगे स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा आर्म राउंड, देखिए ये हमारा आर्म राउंड है, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, उसका आधा भाग किया था, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, उसका आधा भाग जो होगा वो होगा हमारा 1.75 इंच। तो हमें 1.75 इंच जो है उसमें से हमें आधा इंच कम करना है। ये जो हमारा 1.75 आ रहा है उसमें से हम आधा इंच कम करेंगे, यानी हम लेंगे यहाँ पे 1.75 इंच पे मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं 1.75 पे मार्किंग। उसके बाद में हमने ये जो सिलाई मार्जिन ली थी 1.5 इंच, तो हमें बाही को भी हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेना है। कहीं ऐसा ना करे आप यहाँ पे लेना है, लेंगे 1.5 इंच और यहाँ पे लेंगे 1 इंच, तो वो बराबर नहीं है। अब जितना यहाँ पे मार्जिन रखेंगे उतनी यहाँ पे मार्जिन रख लो। उसके बाद में हमारा जो ये बाही की गोलाई जो है वो है हमारी 14 इंच पे, 14 तो हमें क्या करना है, उसका आधा करना है 7, और हम करेंगे मार्किंग यहाँ पे 7 पे, और उसके बाद में हम लेंगे यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई। अब देखिए हम इसे थोड़ा सा नॉर्मली क्रॉस आ रहा है, तो हम इसे क्रॉस में मिलाएंगे इस तरह से। अब हम ये जो लाइन है हम लेंगे यहां से स्ट्रेट इस तरह से। अब मार्किंग देने के बाद हमें क्या करना है, इसका सेंटर करना है, ये हमारा सेंटर होगा। उसके बाद में हम यहां पे लेंगे 1.75 इंच, जो हमारा 1.5 इंच कम है। देखिए हमें 1.5 इंच जो कम होगा वो 1.75 इंच हमें यूज करना है यहां से यहां तक। अब हम क्या कर लेते, इसे राउंड कर लेते थोड़ा नॉर्मली। अब हम इसे कम करते हुए यहां पे जाके इसे मिला देते हैं। देखिए इस तरह से, इस तरह से मिलाने के बाद हम 1.5 इंच तक इसे सीधा लेके जाते हैं। देखिए 1.5 इंच तक हम सीधा गए, उसके बाद में हमने इसे थोड़ा नॉर्मली सेप देना शुरू कर दिया है यहां पे। देखिए अब हम सेंटर में आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसे सेंटर में आने के बाद हम इसे देते जाएंगे नीचे के साइड में से। अब हम इसे क्या करते जाएंगे, इधर के साइड में कम करते चले जाएंगे। देखिए हमने ऊपर के साइड में लाया था, अब हम इधर से सेप देना शुरू करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी बाही बन जाती है। अब इसे ओपन करेंगे हम, तो ये एक अंदर का सेप काटेंगे। हम कपड़े के ऊपर सीखेंगे किस तरह से करना है। सबसे पहले हम नंबर किस तरह से लेते वो सीखते हैं। हमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये हो गए नंबर। अब लिखना किस तरह से, हमें 0 से 1, उसके बाद में दो नंबर जो है दूसरा नंबर आएगा 0 से 2, उसके बाद 2 से 3, 2 से 3, उसके बाद 3 से 4, उसके बाद में 1 से 5 और उसके बाद में 5 से 6। ये नंबर हो चुके हैं। अब हमें लिखना कैसे है, 0 से 1 लंबाई प्लस 1 इंच हमें लिखना है, लंबाई प्लस 1 इंच। उसके बाद में 0 से 2 ये हमारी मुंडा खोली, ये किस तरह से हमें बाही का मुंडा खोली लेना है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ये हम लेंगे, देखो इस तरह से लेंगे हम। जब हमारा 26 से 30 तक का माप होता है तो हम लेंगे यहाँ पे 2.5 इंच। देखिए हम लेंगे 2.5 इंच, उसके बाद में हमारा जो हम यहाँ पे 28 इंच करने वाले हैं, 28। अब देखिए हमें 29 से 32 तक जब रहेगा तब लेंगे हम यहाँ पे 3 इंच, उसके बाद में हमारा जो 33 से लेते हुए 36 तक जब रहेगा तो हम लेंगे यहाँ पे 3.5 इंच।
उसके बाद में हम 4 इंच लास्ट लेते हैं, उसके बाद में हम मुंडा खोली नहीं लेते। ये जो बात, ये जो भाग होगा उसकी ये जानकारी है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3.5 इंच, उसके बाद में 2 से 3। अब 2 से 3 हमें क्या करना है, जो हमारा आर्म राउंड होता है उसका हम आधा करेंगे और उसमें से आधा इंच कम करके ये मेजरमेंट। ठीक है, अब हमने ये लिया है मुंडा, उसके बाद में हमें 1.5 इंच सिलाई रखना है, उसके बाद में ये हमारा गोलाई होगी बाही की और ये आगे होगी 1.5 इंच की सिलाई। तो इस तरह से हमारी कटिंग है। अब हम सीखेंगे कपड़े के ऊपर किस तरह से करना है। तो देखिए हमारा ये डबल कपड़ा है, अब हमें इसे चौबल बनाना है। ये हमारी बन साइड जो होगी हमारे साथ बाजू में होना चाहिए, ये जो बन साइड होगा ये हमारे साइड में होना चाहिए। सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे 1/2 इंच की मार्किंग। अब हमारी स्लीव्स लेंथ जो है वो है 4 इंच, तो हम कर लेते हैं 4 इंच के ऊपर मार्किंग, उसके बाद में हम लगाएंगे 1/2 इंच की सिलाई। यहां से हम लेंगे 3.5 इंच के ऊपर मार्किंग और इसे स्ट्रेट कर लेते हैं। अब हमारा आर्म राउंड जो है वो है 15 इंच का, तो उसका आधा करना है हमें 7.25, लेकिन हम इसमें से 1/2 इंच कम करेंगे, यहाँ पे डालेंगे हम 7.25। जो भी आपका आर्म राउंड होगा उसका आधा कीजिए और उसके बाद में आप डालिए आगे सिलाई। अब हमें लेना है दंडगेर, हमारा दंडगेर जो होगा वो है 15 इंच, हम लेंगे आगे 1.5 इंच सिलाई। यहां से हम इस तरह से शेप देते हुए चले जाएंगे और ये हमारा अंदर का शेप होगा। अब ये हमारा दंडगेर होगा, ये हमारा दंडगेर जो है वो है हमारा 14 इंच, हमने 14 का आधा किया है 7 और आगे लिया है 1.5 इंच सिलाई। अब हमने ये राउंड दिया है और इसे हमें करना है कटिंग। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं, तो इस तरह से यह हमारी कटिंग बन जाती है। यहाँ पे हमें छोटा सा ज्वाइंट लगाना है और हम इसे काट लेते हैं। इसे हमने ओपन किया है और ये हम काट रहे हैं, तो ये हमारी बाही बन जाती है। अब हम इसे कपड़े के ऊपर रखेंगे और कटिंग करेंगे। ये हमारा कपड़ा है, हम आपको कैसे रखना है ये सिखाते हैं। तो देखिए हमारा बन साइड में होगा बैक साइड, उसके बाद में हम रखेंगे फ्रंट और यहाँ पे रखेंगे बाही, उसके बाद में हम इसे नॉर्मली 1/2 इंच ज्यादा रखते हुए इसे कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से हमें ये तीनों भी पीस कटिंग करना है। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है हमारा वो स्टिचिंग का आने वाला है, यही ब्लाउज हम आपको स्टिचिंग के साथ सिखाने वाला है, तभी हमारा ये 4 टच ब्लाउज जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपको मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, अगर आप किसी का फायदा करना चाहते हो तो ये हमारी लिंक आप उन्हें भेज दीजिए ताकि आपके साथ में उनका भी फायदा हो सके।